सो व्हाट्स अप एवरीवन, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, दैट इज वेस्ट बंगाल जेई। दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फॉर वेस्ट बंगाल कॉलेजेस। वो जेई मेन्स का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें अपनी अलग से एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवानी होती है कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। काफी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं तुम्हें इसमें, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, राइट। कम फीस है और प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है, तो इस एग्जामिनेशन को तुम्हें डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 10 इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस अदर देन जेई मेंस, वो वीडियो तुम्हें डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जेई तुम्हें एक से दो बैकअप प्लान लेके चलने चाहिए। सिर्फ जेई को लेके चलोगे तो वो रिस्की हो सकता है थोड़ा, चाहे तुम जितने कॉन्फिडेंट हो, तुमने जितनी पढ़ाई की हो, एक दो बैकअप प्लान होने चाहिए। जनरली एक बिट सैट रहता है, और इसके अलावा तुम्हारे स्टेट के कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो एग्जाम्स रहते हैं वो तुम लोग लेके चलते हो। आई नो आई एम अ बिट लेट रिगार्डिंग दिस न्यूज़, बट कल मेरी कॉलेज क्लासेस थी 1 to 7 लगातार थी, तो मेरे माइंड से भी स्किप कर गया और मुझे इसका नोटिफिकेशन भी नहीं पता लगा। बट अब पता लग गया है, तो मैं तुम लोग को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ शो करता हूँ। सो यहाँ तुम लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने वेस्ट बंगाल जेई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। टाइम टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ वो तुमको पहुँचा देंगे। 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। कल आ गया था, मैंने बताया मैं लेट हो गया हूँ। तो अगर तुम्हें ये एग्जाम देना है तो 5 जनवरी तक आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट कर दो, बिकॉज वो टाइम लेंगे पहले उसको वेरीफाई करने का, फिर ऑनलाइन करेक्शन के लिए भी डेट्स उन्होंने बता दिए हैं 11 जनवरी से 13 जनवरी। अगर तुम्हारे फोटो में कोई दिक्कत है या तुमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है सही से, तो उस पर कर सकते हो। बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आखिरी के 4-5 दिन फीस का इशू आ गया था, फीस सबमिशन का, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दिया था। तो उसको अवॉइड करने के लिए 6 जनवरी मैक्सिमम या 7 जनवरी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना। एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने की डेट 18/4 से लेके 23/4, यानी कि 18 अप्रैल से 23 अप्रैल। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 23 अप्रैल है तुम्हारा, तो काफ़ी टाइम है, 4 महीने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। पैटर्न क्या है, पेपर 1 मैथमेटिक्स का होने वाला है 11 AM, यहाँ देख सकते हो 11 AM से 1 PM। पेपर 2 होने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 PM से 4 PM। रिजल्ट्स की डेट अभी तक नहीं अनाउंस की है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तुम्हें फोटो किस साइज में सबमिट करनी है, ये पैटर्न दे रखा है, कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसको अच्छे से तुम रीड कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है, जो भी सर्टिफिकेट्स होने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं ओबीसी वालों के लिए। और फीस की मैं बात करूं तो जनरल की 500 है और अदर रिजर्व कैटेगरीज की 400 फीस है। और ये तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हैं जिसके, मतलब यही फॉर्मेट में तुम्हें सर्टिफिकेट्स अपने सबमिट करने होंगे। यहाँ तुम्हारा सिलेबस डिफाइंड है, सिलेबस जनरली जेई जैसा ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें तुम्हें प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट आई वुड सजेस्ट कि ये एग्जामिनेशन ज़रूर देना। डिस्ट्रिक्ट बना रखी है जोन्स की, जहाँ तुम्हें ये जहाँ एग्जामिनेशन देने तुम्हें जाना पड़ेगा। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अप्लाई करने के लिए तुम यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ओपन कर लेना। यहाँ पे फीस का तुम्हें दिख जाएगा, राइट, इसको अग्री कर लेना। इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करते जाना, वो तुम्हारा अपने आप प्रोसीड होता जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।